हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने अनोखे ढंग से सजाया सवारा है। शब्दों में यहाँ की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस पहाड़ी प्रदेश को फल राज्य के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ कई प्रकार के फलों का उत्पादन होता है, जिनमें सेब प्रमुख है। सबसे अधिक सेब का उत्पादन जिला शिमला में होता है। हम सब जानते हैं, किसी भी फसल का अच्छा उत्पादन लेने के लिए नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पहले किसानों बागवानों को अपनी फसलों में नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया आदि की बोरियां खरीदनी पड़ती थी, लेकिन अब इफको द्वारा किसानों बागवानों के लिए इफको नैनो यूरिया तरल को विकसित किया गया है, जो किसानों तथा बागवानों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रही है। इफको द्वारा बनाया गया नैनो यूरिया तरल अब हमारे बागवानों तक पहुंच चुका है और इसकी पहुंच बनाई जा रही है। इफको नैनो यूरिया तरल का प्रयोग हमारे शिमला जिला में बागवानों द्वारा सेब की फसल में किया गया। बागवानों को नैनो यूरिया तरल का प्रयोग तथा किस स्टेज पर करना है ये सब बताया गया। इफको नैनो यूरिया तरल के परिणाम कैसे आए, बागवानों को क्या क्या लाभ हुए, किन किन असुविधाओं समस्याओं से उनको छुटकारा मिला, आइए जानते हैं उन्हीं बागवानों से जो नैनो यूरिया के इस्तेमाल करने से लाभान्वित हुए। हम देखें तो यहाँ बागवानों के सेब के बड़े बड़े बागीचे हैं। बागवानों ने आधा लीटर नैनो यूरिया को 200 लीटर पानी में मिलाया और इस घोल को पिंक बर्ड स्टेज पौधों पर इसका छिड़काव किया। अब देखें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमारे समक्ष हैं। दीक्षित चौहान पानली गांव जिला शिमला के बागवान हैं। यहाँ इनका बागीचा लगभग 10 बीघा जमीन में है और इसमें भिन्न भिन्न किस्मों के 800 के लगभग सेब के पौधे हैं। दीक्षित चौहान को इफको नैनो यूरिया तरल के बारे में पता चला, इसके बारे में जाना और इसका प्रयोग अपने इस बगीचे में पहली बार किया तो देखें यहाँ सेब की जो फसल आई है इसका कोई जवाब नहीं है। बम्पर क्रॉप हम सेब के पौधों में देख सकते हैं। अच्छा होगा ज्यादा जानकारी दीक्षित ही हम सबको दें। पहले हम नाइट्रोजन के लिए यूरिया यूज किया करते थे, यूरिया में ग्रेन्यूल्स की बोरियां लानी पड़ती थी, तो हमारा हिली एरिया इसमें बहुत मुश्किल हो जाता था कि हमें उठाकर बोरियां बगीचे में लानी पड़ती, तो बागवानों को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता था। कई बार लेबर की हमारे पास दिक्कत आती थी कई बार उठाने की। हमें पता लगा कि इफको वालों ने नैनो यूरिया निकाला तरल, उनसे ही हमें पता लगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना है, कितनी मात्रा में यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, तो इससे हमें बहुत ही फ़ायदा हुआ और इसमें उठाने और बाकी चीज़ों का खर्चा भी बचता है। तो हमने क्या किया कि इसको एक 200 लीटर के ड्रम में 500 ml डाल के पूरे बगीचों में छिड़काव किया और जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है इस पर। मैं किसानों बागवानों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो इफको नैनो यूरिया तरल है इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। आप कहीं भी मेरे बगीचे में जाके देखिए, बहुत अच्छा साइज है और बहुत अच्छी ग्रोथ है मेरे सब पेड़ों में। मेरा नाम आशीष काल्टा है, मैं विलेज गोलो से बिलोंग करता हूँ। इनके यहाँ बगीचे में 700 के करीब सेब के पौधे हैं जो फल दे रहे हैं। आशीष ने भी सेब की फसल को नाइट्रोजन देने के लिए इफको नैनो यूरिया तरल का प्रयोग किया था। जानते हैं इनका ये पहला एक्सपीरियंस नैनो यूरिया तरल को लेकर कैसा रहा। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा बगीचा है, इसमें काफ़ी सारे प्लांट हैं, लगभग 700-800 के करीब करीब होंगे। बहुत सारी वेराइटियाँ लगी है इसमें। इसमें हमने पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए लगभग 200 लीटर पानी में 500 ml नैनो यूरिया का छिड़काव किया था। ये हमारा जो बगीचा है लगभग 9000 फीट की हाइट में स्थित है। पहले हमें कट्टे लेके आना पड़ता था यूरिए के, जो कि यहाँ पर पहुँचाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन अब लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब नैनो यूरिया से काफ़ी फायदा हुआ है। तो अब तो नैनो यूरिया है, एक बोतल को आप चाहे जेब में लेके चलो, चाहे आप कहीं भी लेके चलो, तो इससे काफ़ी सुविधा हुई है और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे है, काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हुई है, साइज भी काफ़ी अच्छा है। जबकि यहाँ पे 5-7 अक्टूबर से सीजन स्टार्ट होता है, तो फ्रूटिंग साइज भी काफ़ी अच्छा है। ये हैं राजन चौहान, ये भी अपने बड़े बागीचे में सेब उत्पादन करते आ रहे हैं। पौधों को नाइट्रोजन देने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। सेब हाइट पर होता है,
बोरियां उठाकर पसीने छूटते थे, लेकिन नैनो यूरिया तरल से सब कुछ आसान तथा किफायती हो गया। मेरा नाम राजन चौहान है, मैं हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला कोटखाई के गोलो गांव का जो है स्थायी निवासी हूँ। पेशे से मैं एक बागवान हूँ। इस वर्ष हमने जो है अप्रैल महीने में जो है पिंक वर्ल्ड के ऊपर हमने नैनो यूरिया का उपयोग किया था, जो हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। पहले क्या होता था कि हमें यूरिया के जो कट्टे होते थे, लगभग 50 किलो का बैग होता, उसको उठाने में जो है भारी मुशक्कत का सामना करना पड़ता है। अब ये जो हमारे सामने जो नैनो यूरिया की जो बोतल है, इसमें लगभग एक कट्टे के जितनी पावर है, और इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ कि हमने पिछली बार जो पिंक वर्ल्ड पर छिड़काव किया था, जिसका नतीजा आपके सामने है, हमारे पेड़ों में जो है बहुत अच्छी फसल आई है, और हमें इसमें कैरी करने में कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। हम धन्यवाद करते हैं और सल्यूट करते हैं खो वालों को जिनने इस तरह का प्रोडक्ट निकाला, और ये हमारी बचत के भी बिल्कुल खरा है। लक्की चौहान, इनका सेब उत्पादन का कार्य काफ़ी बड़े बागीचे में हो रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों में सेब की बागवानी कठिन होती है, खादें आदि पहुंचाना आसान नहीं होता, फिर बगीचों तक सड़कें नहीं होती। इफको नैनो यूरिया तरल ने बागवानों को बड़ी राहत दी है। लक्की चौहान और इनके परिवार ने भी नैनो यूरिया तरल का प्रयोग उच्च गुणवत्ता युक्त सेब तथा अधिक उत्पादन को लेकर किया था, जो 100% सफल हुआ। बढ़िया सेब की फसल हम देख सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है इफको का, लाइक नैनो यूरिया, सो दिस इज़ एन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट, सॉइल के लिए भी काफ़ी अच्छा है, और इससे आपका जो एक्सपेंस है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है, एंड प्रोडक्शन भी जो है आपके सेबों की या फिर कोई आपका दूसरा फ्रूट है तो उसमें प्रोडक्शन भी अच्छी होती है। लाइक मैंने तो इसी साल एक्सपेरिमेंट किया था अपने बगीचे में, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे मिले मुझे। जैसा आप लोगों को बताइए कि हमको सेब के पौधे में नाइट्रोजन की भी बहुत आवश्यकता रहती है, तो अभी जैसे इसका यूज़ करना है नैनो यूरिया का, तो हमारा जो 200 लीटर का ड्रम रहता है, नॉर्मली 200 लीटर का ही ड्रम रहता है, तो हमारी उसमें ये जो है हाफ लीटर की क्वांटिटी जाएगी 200 लीटर के ड्रम में। तो ये चीज़ आप ट्राई करो, एक बार ज़रूर ट्राई करो, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इफको नैनो यूरिया सेब की बागवानी में बागवानों को नई राहत तथा सुविधा देने जा रही है। इससे बागवानों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। हमारे किसान बागवान इफको नैनो यूरिया तरल सहकारी समितियां तथा इफको किसान सेवा केंद्रों से खरीद सकते हैं। www.ifcobazaar.in पर लॉक करने पर आप इसे घर भी मंगवा सकते हैं।